हेलो एवरीवन, यू नो यस्टरडे अ वंडरफुल क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय माय स्टूडेंट। द क्वेश्चन वाज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स। आर्टिकल्स और शेड्यूल्स में क्या फ़र्क है? जहाँ तक हम आर्टिकल्स की बात करें तो वो एक ना चैप्टर्स की तरह है। जैसे हमारे किताब होती है, एक सब्जेक्ट होता है, जैसे हिस्ट्री एक किताब है और उसमें हम लोग इंडेक्स में जब जाते हैं तो बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं और चैप्टर्स के नाम होते हैं। उसी तरीके से हमारे आर्टिकल्स भी हैं। आर्टिकल्स एक चैप्टर हैं और उसके अंदर में उसकी डिटेलिंग है। जैसे आर्टिकल वन की जब हम बात करेंगे तो नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन के ऊपर में ये बात करता है। जब हम जैसे आर्टिकल नंबर 5 की बात करेंगे तो इट टॉक्स अबाउट द सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इट्स सो अगर लेमैन टर्म में अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल्स आर नथिंग बट द चैप्टर्स। आपके समझ के लिए मैं ये बता रहा हूं। अब शेड्यूल्स क्या हैं? अगर शेड्यूल्स की बात करें हम लोग तो शेड्यूल्स ये अपेंडिक्स की तरह काम करता है। जब हमारी किताब होती है ना, कोई भी अगर आप किताब देखते हैं तो उसमें किताब के एंड में अपेंडिक्स होता है और उसमें ना कोई चीज़ का डिटेल चीज़ लिखी होती है। कभी किसी की चीज़, कभी लिस्ट होगी या किसी के नाम होंगे, है ना। तो डिटेलिंग, अगर जो चैप्टर में डिटेलिंग नहीं करना है तो वो चैप्टर में ऐसे नोट लिखा होता है और उस डिटेल, कुछ चीज़ों की अगर डिटेलिंग करनी है स्पेसिफिक, तो वो अपेंडिक्स में लिखा जाता है जो हमारे किताब के आखिरी में होता है। वही काम शेड्यूल्स भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में करता है, एनेक्स्टर और अपेंडिक्स का काम। जैसे कि नेम एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बात कर ली है हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 1 नहीं, आर्टिकल नंबर 1 में। और जब हम शेड्यूल की बात करेंगे, पहले फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन के बारे लिखा हुआ है। माने आर्टिकल हमें पूरा स्पेसिफाई करेगा बट नाम कहाँ लिखा हुआ है वो फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ है। वैसे ही हम बात करते हैं जैसे कि इलेवेंथ शेड्यूल के बारे में बात करते हैं, है ना। तो 243G ये ऑलरेडी आर्टिकल है जिसमें जो इससे रिलेटेड है, इलेवेंथ शेड्यूल से रिलेटेड है। बट कुछ चीज़ें जैसे कि स्पेसिफिक पावर्स एंड अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, ये सारी इलेवेंथ शेड्यूल में दी गई है। तो ये एक जोड़ की तरह देख सकते हैं, आर्टिकल्स एक चैप्टर की तरह है और शेड्यूल्स जो है अपेंडिक्स की तरह है। अगर कोई चीज़ की लिस्टिंग है, कुछ नाम डालने हैं तो वो अपेंडिक्स में होते हैं। ठीक है, इसी के साथ आज का वीडियो यही मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आई होप